भी आरा में है, अगर आपको कहा जाए कि आरा छोड़कर कहीं और जाके छोड़कर जाया करिएगा। नहीं, बिहार से बाहर नहीं। अंकुश श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय बिहार, जय छठी मैया। महापर्व छठ पूजा की आप सबको ढेर सारी बधाई। छठी मैया आप सबके जीवन में ढेर सारे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और छठ पूजा हर एक बिहारी के लिए गर्व की बात है, और आज का जो ब्लॉग है ना भाई, उसी पे आधारित होने वाला है। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर श्रीवास्तव पर। तो आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आरा का छठ पूजा, और हर एक आरा के घाट में आपको लेके जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा गांगी। दुख की बात यह है कि इस बार मेरे घर पे छठ पूजा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आप सबके साथ शामिल होकर छठ पूजा मनाऊंगा। ज्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा चालू करता हूँ ब्लॉग सुबह से, और आपको लेके चलता हूँ पूरा आरा का छठ पूजा घुमाने। जय छठी मैया कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पसंद है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो भैया अभी हम लोग जा रहे हैं फल फलहारी लेने, अभी पापा के साथ जाएंगे। अब मेरे घर पे छठ पूजा नहीं हो रहा है, अफसोस है इस बात का, और ये जो दुख है ना बताया नहीं जा सकता। काहे कि जिसके घर पे छठ पूजा नहीं हो रहा है ना, वही समझ सकता है कि इसका दुख क्या होता है। खैर, ये जो फल फलहारी हम लोग ले रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर पर छठ पूजा हो रहा है, ठीक है, तो उन्हीं के घर पर जाएंगे और ये फल फलहारी खरीद के सब उन्हीं के घर पर दे देंगे, और जो हमारा फल है वो भी सूर्य भगवान और छठी मैया को अर्पण करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आरा का बाजार। का त्यौहार है छठ पूजा, में हमारे घर ढेरों खुशी आती है, लेकिन आज मुझे पता चला ये खुशियाँ सबके लिए एक समान नहीं है। बाजार में इतना ज्यादा भीड़ है कि चलने लायक जगह नहीं है, तो इसी को कहते हैं आस्था और विश्वास का पर्व छठ पूजा। और अभी हम लोग फल लेने निकले हैं, बहुत अच्छा, मतलब फीलिंग जो है वो बताने लायक नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जब मेरे पापा फल खरीद रहे थे तो खुशी तो बहुत थी, लेकिन दुख इस बात का था कि ये फल मेरी माँ सूर्य भगवान को अर्पित नहीं कर पाएगी। तो भैया अभी हम लोग आ गए हैं फल फलहारी लेके घर पे, और हमारे घर पे तो नहीं हो रहा, इसलिए अभी हमारे पड़ोसी कर रहे हैं छठ, उन्हीं के घर पे ये फल जाके अभी देना है। तो अभी सारा गली यहाँ पे धुला गया है, साफ सफाई हो गया है। जो घाट देख रहे हैं ना, ये है कलेक्ट्रेट का घाट है, और लोग धीरे धीरे यहाँ पे आना चालू कर दिए हैं। लगभग सारा घाट यहाँ पे अभी भर चुका है, और यहाँ पे सब पे अपना दौरा सजा रहा है लाइन से। अर्घ देने का टाइम में अभी 2 घंटे
है अभी? बढ़िया लग रहा है। छठ पूजा का इंतजार करते साल भर ना? साल भर इंतजार करके बहुत मुश्किल से है यार। तो अभी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरा देश भर में छठ मनाया जा रहा है, इस बात का प्राउड फील होता है कि नहीं? बिल्कुल प्राउड फील होता है। अभी है सब कुछ, सब व्यवस्था बढ़िया से किया हुआ है और सबका कृपा छठ मैया सब पे बनाए रखे। सब आपका भी चैनल अच्छा है चले और इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लाए, अपना देश का नाम रोशन करिए। जय छठ मैया की जय। अभी जैसे बताया मैंने, अभी मैं हूँ गांगी घाट पे और मेरे साथ यहाँ पे जिन्होंने व्रत किया है वो है यहाँ पे। तो क्या नाम पड़ेगा आंटी आपका? मेरा तो नाम अति सुंदर देवी। को कितने साल से छठ कर रही हैं? कितना साल हो गया आपको? मेरा 21 साल शादी को है, 21 साल से कर रहा हूँ। 21 साल से कर रही हैं और हर साल करती हैं? हर साल गांगी घाट में आती हैं। हाँ। तो कुछ छठ पूजा के बारे में बताइए, कितना मतलब दिन का ये पूजा होता है? हर दिन का होता है। पहले शुरुआत होता है नहा खा से, फिर खरना होता है दूसरे दिन, तीसरे दिन संजत होता है अर्घ, पहला अर्घ, और दूसरा होता है चौथा दिन जो सुबह वाला अर्घ होता है। अर्घ का टाइमिंग क्या बताया गया? अभी तो 4:45 बताया गया। अभी आरा में है, अगर आपको कहा जाए कि आरा छोड़कर कहीं और जाके छठ कर जाए करिएगा? नहीं, बिहार से बाहर नहीं। बिहार से बाहर नहीं? तो अगर आरा में भी कहा जाए कि गांगी नहीं कहीं और घाट पर जाए करिएगा तो करिएगा? नहीं, कौना घाट जो है हमारा ससुराल है, वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन गांगी घाट पहला पसंद है या कोई और घाट? पहला तो यही हुआ। पहला ही पसंद है तो गांगी घाट सबसे पहला पसंद है यहाँ के लोगों के लिए। तो और भी चलते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। जय छठी मैया। छोटी छठी मैया हमनी से बरत दो हार, हमनी से बरत दो हार, तहरी भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पुल से ही देख रहे हैं नीचे अर्घ देते हुए, और नीचे भी बहुत ज्यादा भीड़ है, नीचे जगह कम है खड़े होने के लिए, इसलिए लोग ऊपर आराम से देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि अर्घ दिला चुका है, संध्या अर्घ कंप्लीट हो चुका है और अर्घ दे के सब व्रती अपने अपने घर जा रहे हैं। क्या देखिए, सब जो अपने दौरा लेकर अपने अपने निवास स्थान पर प्रस्थान कर चुके हैं और कल आएंगे सब कोई, यानी उषा अर्घ है कल 3 से 4 बजे भोर में आएंगे। जो अर्घ है वो अपने अपने घर जा रहे हैं और जो मतलब दूर से आए हैं वो अपने यही घाट पे रुकेंगे और यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है और मतलब इससे अच्छा दृश्य कहीं नहीं हो सकता है। मेरे साथ अभी जो खड़े हैं आप इनको जानते हो बहुत अच्छे से, जो हमको फॉलो करते हैं, पार्टी जिंदाबाद। तो ये मेरे चाचा है सदैव चाचा, क्या कहेंगे सदैव चाचा, कैसा लग रहा है? अंकुश श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें और क्या करें, लाइक करें। छठ पूजा के बारे में क्या कहिएगा? छठ पूजा के बहुत मजा आता है, हम लोग घाट के किनारे जाते हैं और व्रतियों को गोर लगकर आशीर्वाद लेते हैं, सूर्यदेव का पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं, हमारे छठी मैया को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं और ये हमारा महापर्व है। महापर्व है, सब हम ही बोलिए हेलीकॉप्टर। यस यस यस, प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी मिल गई है घाट पे और सबको एक बार प्यार से बोला छठी मैया की, छठी मैया की। अभी हम सब कोई आ गए हैं घर पर और मम्मी भी आ गई है और पापा भी आ गए हैं। छठ पूजा भगवान आप सबको सब मनोकामना पूर्ण करें, छठी मैया। हम भी करते हैं कि छठ माई हम भी करें, कि अगला साल हम भी करें खुशी, सब साल माता अच्छा से ले जाए।
तो भैया अभी हम अपना कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं और वहाँ पे हुडी लिए हैं, क्या कि रात भर जगना है, रात में भैया ठंडा लगना चालू हो गया है। रात भर आपको घुमाएंगे आरा, क्या कि आरा आज बहुत भयंकर सजे वाला बा, ठीक बा, तो चली जा। तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंडिया हार चुका है, और इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है कि हर बार हम लोग सेमीफाइनल फाइनल में जाके हार जाते हैं। खैर, इस ब्लॉग पे छठ पूजा पे फोकस करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं बाहर और टाइम हो रहा है अभी रात के 2, तो अभी पूरा आरा कैसे सजा हुआ है, आरा का पूरा डेकोरेशन जो दिखाएंगे, हर एक गली का डेकोरेशन, हर एक रोड का डेकोरेशन दिखाएंगे। तो चलिए देखने चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय छठी मैया। तो भैया अभी हम आ गए हैं गांगी घाट, और ये है गांगी घाट का सूर्य मंदिर, और अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे बन रहा है महाप्रसाद, छठ का महाप्रसाद बन रहा है, जो कि सुबह में अर्घ देने के बाद बताएगा। अभी यहाँ पे बन रहा है छठ के लिए महाप्रसाद, और यहाँ पे भैया हलवा बना रहे हैं, और जो भी यहाँ पे बनता है शुद्ध घी से बनता है, पूर्ण पवित्र तरीके से बनता है। तो यहाँ के कार्यकर्ता से पूछते हैं, भैया यहाँ पे कितना किलो अभी हलवा बन रहा है बांटने के लिए? यहाँ पर लमसम आपको 2 क्विंटल सूजी का हलवा बनता है। जो भी बनता है सब शुद्ध घी में बनता है, जो शुद्ध घी में और दूध में, दूध और शुद्ध घी में बनता है। कितना किलो आपके से मतलब दूध लगा होगा अभी ये पूरा? यहाँ पर करीब करीब 2 क्विंटल घी लगा और 2 क्विंटल सूजी, अभी तक 1 क्विंटल दूध, और जो है बाकी सब वही चीज है कि सब मटेरियल है इसमें, घी जैसे हो गया गड़ी, काजू, किशमिश, मतलब 5 मेवा जिसको 9 मेवा जिसको नवरत्न भी इसमें आता है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि भैया देखिए यहाँ पे बना रहे हैं छठ के लिए महाप्रसाद जिसको बोलते हैं, भैया अभी यहाँ पे वही बना रहे हैं। देखिए अभी हम खड़े हैं बड़ी मस्जिद के पास, और रात में यहाँ पे जैसे कि छठ महापर्व छठ में पूरा रोड और पूरा आपका एरिया सजाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी भैया यहाँ पे रोड पे ड्राइंग बनाए हैं और इसी को पेंट कर रहे हैं। क्या नाम अच्छा लगता है? आकाश कुमार सोनी। कहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं? बड़ी मस्जिद चौकारे पत्थर रोड आ रहा है। तो आपको नींद नहीं आ रहा है इतना रात को यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं? अरे छठ पूजा है, सब कुछ अलग है, साल भर का इंतजार करते हैं। तो ये जो आपको सीन देखने को मिलेगा ना, ये आपको बस बिहार में ही देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से बस बिहार में मिलता है, और यूपी और बिहार में मिलता है। रात भर आदमी जगता है और इतना मेहनत करते हैं, ये आसान मत समझिएगा कि बस उस पर ब्रश चला दिए हैं, पहले उस पर स्केच हुआ है। और यहाँ तो आपको ये दिख रहा है बहुत जगह रंगोली बनता है और बहुत चीज़ आपके अभी आपको दिखाएंगे हम वीडियो में बने। अभी देखिए यहाँ पे हम अभी तरी मोहल्ला मोड़ के पास खड़े हैं, और यहाँ पे पूरा गली फूल से ही सजाया गया, गेंदा का फूल पूरा नीचे यहाँ पे बिछा दिया गया।
छोटी छठी मैया। और अभी देखिए मटिया पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए पूरा रोड ही गेंदा के फूल से पूरा सजा दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कुछ अलग करने का कोशिश किया गया है। अरे भरोसा हमारी के छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के सारा चीज आपको दिखा दी। आरा का डेकोरेशन, जितना भी आरा का डेकोरेशन है हर जगह जा जाके आपको दिखा है। तो अभी हम जाएंगे कपड़ा, मतलब अभी जाएंगे ब्रश करेंगे, नहाएंगे और अभी कपड़ा चेंज करेंगे और फिर से जाएंगे गांगी घाट, वहाँ पे आपको दिखाएंगे बीच में जो दिखाने लायक होगा और उषा अर्घ जो अभी है और महाप्रसाद भी आपको खिलाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए सबसे पहले महाराज। मैं अपने घर के बाहर और अभी बहुत सारे लोग दौरा लेके यहाँ मेरे सामने से निकले हैं, यानी अभी हम लोग बहुत लेट हैं क्योंकि 4:30 होने जा रहा है और साल में एक ही दिन ऐसा आता है जी के पूरा रात जगना होता है। तो आज का दिन भाई जगने में भी बहुत मजा आ रहा है। सीधा चलते हैं घाट। सूर्य मंदिर है और अभी नीचे उतर के आपको दिखाते हैं घाट अच्छे से। तो अभी हम खड़े हैं गांगी घाट के पुल के ऊपर और नीचे देख सकते हैं आप कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे छठ अभी उषा अर्घ है आज और सूर्यदेव का उगने का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। सूर्यदेव उगेंगे तब यहाँ पे अर्घ दिलाया।